नमस्कार, मैनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है ये डेढ़ माह पूर्व गायब अधेड़ का नरकंकाल है। गांव वालों ने स्वेटर के माध्यम से इसकी पहचान की। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव में गुरुवार को सूचना पर पुलिस ने नगर मानदाता मौजा रुई में पानी के टंकी के नजदीक नरकंकाल बरामद किया। पुलिस द्वारा आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर सबकी शनाख्त कराए जाने का प्रयास किया गया तो ग्राम रुई निवासी सुग्री प्रजापति ने बताया कि मृतक के शरीर का जो स्वेटर पाया गया है उसका 40 वर्षीय बड़ा भाई नेक्सेलाल प्रजापति उर्फ खान सहाय पुत्र भगवान दास लगभग एक माह पूर्व घर से गायब हो गया था। जब उसका भाई काफ़ी समय तक घर नहीं लौटा तो भाई सूरजपाल विगत 17 नवंबर को थाना भोगांव में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया उसका भाई गांजा पीने का आदी था। उसने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया मृतक भाई के नाम लगभग 4 बीघा कृषि भूमि है, साथ ही गांव में उसके नाम पक्का मकान भी है। उसने पुलिस को अपने भाई की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। तो क्या नाम था जो गायब हुए थे? तो कहाँ के वो रहने वाले थे? अच्छा, तो आपने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज कैसे मालूम पड़ा? आज तो कपड़े मिले हैं। तो उससे आपने पहचान लिया कि आपके ही भाई के कपड़े हैं? चाबी, कपड़े, चप्पल। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? तेज बताइए क्या नाम है सर? भोगांव थाना के क्षेत्र जो कि सर रुई में जो कंकाल सर मिला है सर, पूरा मामला क्या? हमें अभी कुछ समय पहले ही सूचना मिली थी कि रुई के इंडस्ट्रियल एरिया के ऊसर में एक कंकाल पड़ा हुआ है। मैं तुरंत और हमारे इंस्पेक्टर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो छत विच्छत रूप में एक कंकाल हमें प्राप्त हुआ। फॉरेंसिक टीम तुरंत बुलाया गया, उन्होंने अपनी जाँच पड़ताल करके चीज़ों को और खोजा जा रहा है कि वास्तव में ये कहाँ से आया, किसका है और ये छत-बिछत कैसे हुआ। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और हम जल्द ही पता करेंगे कि ये कंकाल किसका है और ये कहाँ से यहाँ पर आया।